सीपी रिमूव करने से पहले सीपीयू के आसपास के कंपोनेंट को टेफ्लॉन टेप से या अदर टाइप के किसी हीट रेजिस्टेंस टेप से उसको कवर कर लेते हैं, ढक लेते हैं ताकि वो डैमेज ना हो, उसके ऊपर हीट ना जाए। और फ्लैक्स पेस्ट अप्लाई करेंगे सीपीयू के आसपास, थोड़ा ही फ्लैक्स पेस्ट अप्लाई करें जितना कि सीपीयू के आसपास चला जाए, अदर आईसीयू में अदर कंपोनेंट के आसपास ना जाए वो। इसके बाद पहले ही देख लें पेस्टेड है वो, तो पेस्ट पहले काटेंगे। और यहाँ पर ये पेस्ट जो है सीपीयू के नीचे है, आसपास नहीं है, सीपीयू के नीचे लगा हुआ है, तो इसको स्क्रैपर से धीरे धीरे उठाएंगे, कम से कम 2 या 3 जगह से सीपीयू को उठाएंगे हल्का हल्का सा। अगर आप एक ही बार में इसको उठाने की कोशिश करेंगे तो उसकी बहुत सारी बॉल निकल जाएंगी, लेकिन बॉल ज़्यादातर वही निकलती हैं जो ग्राउंड होती हैं, नेगेटिव होती हैं या नॉट कनेक्टेड होती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीपीयू निकल चुका है। लगभग हमने इसको 1 मिनट तक मशीन को गोल गोल सीपीयू के ऊपर घुमाया था, उसके बाद इसको हमने उठाने की कोशिश की धीरे धीरे, कोई भी फोर्स नहीं लगाया, अपने आप प्यार से निकल गया। अब इसके पैड को साफ़ करने के लिए फ्लेक्स पेस्ट अप्लाई करेंगे, आयरन की हीट 350 या फिर 380 रखेंगे, और किसी अच्छी ब्रांड का शोल्डर विक यूज़ करेंगे। घिसना नहीं है यहाँ पर, हल्के हल्के हाथ से इसको सिर्फ शोल्डर को छुएंगे, टच करेंगे तो ये अपने आप निकलता रहेगा। अगर यहाँ अगर आप घिस देंगे इसको तो इसकी बॉल जो होती हैं, पैड जो होते हैं, वो निकल जाते हैं, फिर और दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको साफ़ कर लिया है। साफ़ करने के लिए मैकेनिक किसी भी क्लीनर का यूज़ कर सकते हैं या ग्लू रिमूवर का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ ये वाइट पेस्टेड सीपीयू है, वाइट पेस्ट है इसके ऊपर। तो सबसे पहले एक बार फ्लेक्स पेस्ट अप्लाई करके आयरन से या फिर शोल्डर विक से इसका शोल्डर क्लीन कर लेंगे हल्का हल्का। उसके बाद स्क्रैपर लेकर के और मशीन की हीट 300 C रख करके इसके पेस्ट को हम हटाएंगे। बहुत पहना ब्लेड नहीं लेना है यहाँ पर, अदरवाइज़ यहाँ पर फ़ौरन सीपीयू डैमेज हो जाएगा, और ज़बरदस्ती नहीं करनी है, धीरे धीरे ही इसको साफ़ करना है। अगर आपने अभी तक एक भी बार सीपीयू क्लीन नहीं किया है, रिबॉल नहीं किया है, तो सबसे पहले स्क्रैप मदरबोर्ड पे प्रैक्टिस करें। स्क्रैप मदरबोर्ड मार्केट में 80-90 लगभग 100 रुपये तक का आपको मिल जाता है, उसमें सीपीयू लगा हुआ होता है। 10 या 12 बोर्ड ले लीजिए और लगातार प्रैक्टिस कीजिए, पर डे आपको सीपीयू रिबॉलिंग आ जाएगी। तो यहाँ देखिए लगभग हमारा पेस्ट पूरी तरह से क्लीन हो चुका है, ये वाइट पेस्ट था, और ज़्यादातर कुछ में ब्लैक पेस्ट भी आता है। हल्के हल्के हाथ से इसको क्लीन करना है, ज़रा भी फोर्स करेंगे फौरन स्क्रैच हो जाएगा, फिर ये वर्क नहीं करेगा। अब हम यहाँ पर 138 या 183 C शोल्डर पेस्ट लगा करके एक बार फिर से इसकी बॉलों के ऊपर आयरन से इस तरह से कर देंगे। इससे क्या होगा, यहाँ पर शोल्डर जो है अलग टेम्परेचर वाला लग जाएगा, जो कंपनी ने लगा करके भेजा है ना, वो हट जाएगा। अब आपका 138 लगाएंगे तो 138 यहाँ पर लग जाएगा इसकी बॉलों के ऊपर। फ्लैक्स पेस्ट लगा के एक बार इसको शोल्डर विक से क्लीन कर लेंगे। अब पेस्टेड सीपीयू में क्या होता है, यहाँ पर कुछ बॉलें ऐसी रह जाती हैं ब्लैक ब्लैक, तो उसको ब्लेड से हल्का हल्का स्क्रैच कर लेंगे। ज़्यादा आयरन को और मशीन को यहाँ पे यूज़ नहीं करना है, अदरवाइज़ ख़राब भी हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक कुछ बॉलें रह गई हैं जो ब्लैक ब्लैक हो जाती हैं, और उन पर अगर हम इसी तरह से शोल्डर पेस्ट लगा करके रिवॉल्विंग करेंगे तो बॉल बन नहीं पाती हैं, तो हम हल्के हाथ से स्क्रैच कर लेंगे ब्लेड से। अदरवाइज़ यहाँ पर एक बार और शोल्डर पेस्ट लगा करके हम कर सकते थे, तो लगभग आधी हो जाती हैं, लेकिन ब्लेड वाला सिस्टम अच्छा लगता है, जल्दी हो जाता है काम, क्योंकि बार बार हम हीट करेंगे सीपीयू को आयरन से या मशीन से, तो डैमेज होने की गुंजाइश होती है उसमें। ये वीडियो मैं मोबाइल से बना रहा हूँ, इसलिए आपको थोड़ा सा बॉल वगैरह नहीं दिख रही होंगी, लेकिन अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर नज़र आता है कि कौन सी बॉल रह गई है, उसके ऊपर शोल्डर नहीं चढ़ता है, वो ब्लैक ब्लैक रह जाती है। एक्चुअली वो पेस्ट होता है, और जब हम आयरन वगैरह यूज़ करते हैं ना, तो पेस्ट उसके ऊपर जम जाता है बहुत ज़्यादा टाइट तरीके से, और साफ़ नहीं होता है वो।
माइक्रोस्कोप आपके पास होना चाहिए, मैकेनिक कंपनी का। मैं माइक्रोस्कोप यूज़ करता हूँ MC75T। ये क्लीन हो चुका है, अब हम रिवॉल्विंग करेंगे। प्रॉपर इंस्टेंसिल है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो यूनिवर्सल से आप इसको रिवॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 183C शोल्डर पेस्ट यूज़ कर रहा हूँ मैकेनिक कंपनी का, और SMD मशीन की हीट कर दी है मैंने 250C। अगर यहाँ पर 300 रखेंगे या 280 रखेंगे तो क्या होगा, स्टेंसिल फूलने लगती है, टेढ़ी मेढ़ी होने लगती है यहाँ पर। तो कम से कम हीट रखनी है, और धीरे धीरे सारी बॉलों को बना लेंगे। अब यूनिवर्सल स्टेंसिल से क्या होता है, एक बार में बॉल कभी भी लेवल में नहीं आएंगी, कुछ छोटी कुछ बड़ी बन जाती हैं। तो क्या करेंगे, ब्लेड से इस तरह से उसको कट कर लेंगे। जो बड़ी बॉलें होंगी वो कट जाएंगी यहाँ पर ब्लेड से, और जो छोटी होंगी आपके दोबारा से हम इसको शोल्डर पीस भरेंगे ना और रिबॉल करेंगे तो वो लेवल में आ जाएंगी सारी की सारी। जब आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो एक ही बार में रिवॉल्व हो जाता है। मैं यहाँ पर आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि दो बार में आप इसको रिवॉल्व कर सकते हैं, दो बार नहीं 3 बार भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बॉल लेवल में होना ज़रूरी है, अगर आपकी बॉल लेवल में नहीं होंगी तो सीपू लगेगा नहीं, कनेक्शन उसके बनेंगे नहीं, ज्वाइंट ही नहीं होंगे। छोटी आईसीएल जो होती हैं वो आसानी से रिवॉल्व हो जाती हैं एक ही बार में, लेकिन सीपीयू ही दिक्कत करता है यूनिवर्सल इंस्टेंसिल से। प्रॉपर इंस्टेंसिल होगी तो बहुत अच्छा है, लेकिन आजकल सीपीयू इतने सारे हैं कि सारी इंस्टेंसिल मिलना और अपने पास होना बड़ा टिपिकल होता है। और दूसरा ये कि इंस्टेंसिल जो होती है कुछ समय बाद ख़राब हो जाती हैं, तो फिर यूनिवर्सल इंस्टेंसिल ही हमारे काम आती है। तो इस प्रोसेस से आप 2 या 3 बार, या जब तक बॉल सारी लेवल में नज़र ना आने लगे आपको, तब तक आप इसको यही प्रोसेस कर सकते हैं। यहाँ पर पेस्ट अप्लाई करेंगे और उसकी सारी बॉलों को लेवल कर लेंगे। जब ट्यूज़र इसके ऊपर रखते हैं ना इंस्टेंसिल के ऊपर, तो बहुत कस के नहीं दबाते हैं, अदरवाइज टेढ़ी हो जाती है इंस्टेंसिल। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी बॉलें लेवल में हो चुकी हैं, बन चुकी हैं। एक बार और फ्लक्स पेस्ट लगा करके इसको हम लेवल में कर लेंगे। मैं फ्लैक्स पेस जो यहाँ पर मैकेनिक कंपनी का SD360 यूज़ कर रहा हूँ, आसानी से साफ़ हो जाता है। वैसे UV559 भी अच्छा है, लेकिन वो क्लीनिंग में बहुत प्रॉब्लम करता है, वो क्लीन नहीं हो पाता है। तो आप देख सकते हैं हमारे जो सीपू था वो रिबॉल हो चुका है। यहाँ पैड में कुछ बॉलें निकल गई हैं, लेकिन वो NC है, नॉट कनेक्टेड होती हैं। सेमेस्टिक डायग्राम से आप इजीली पता कर सकते हैं कौन सी बॉल की सप्लाई NC है, यानी कि नॉट कनेक्टेड है। CPU इंस्टॉल करने के लिए हीट 350C रखेंगे, और एयर जो होती है हर मशीन की जो होती है डिफरेंट डिफरेंट होती है, इतनी एयर रखनी है कि कंपोनेंट उड़े ना। मैं KT850A+ SMD मशीन यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं CPU सक्सेसफुल लग चुका है। अगर आपको ट्रिक पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।